नमस्कार दोस्तों, गुजरात गवर्नमेंट जॉब ना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबनो फरी एक बार एक नवा वीडियो में दिल थी हार्दिक स्वागत करू छू। दोस्तों आज वीडियो में जो भर्ती है विषय तेना विषय बात करीशु। एना पहला तमाम ने रिक्वेस्ट करू छू कि जो तमे सरकारी नौकरियों की तैयारी करो छो तो तेनी साथे साथे घरे बैठा सारी एवी कमाणी पण करी शको छो। तमारे कई ज करवानुं नथी, फक्त मोबाइल नी स्क्रीन पर देखाय छे ते कोर्स करवानुं छे, जेमां तमारे कोड वापरवानो छे साइम 100। वीडियो नी नीचे जे लिंक आपेली छे त्यां तमारे रजिस्ट्रेशन करवानुं छे ने आ कोड वापरवानुं छे। आ कोड वापरतानी साथे हवे आ कोर्स तमे फ्री में करी शकशो अने आ कोर्स कर्या पछी तमने फ्री में सर्टिफिकेट मळशे, जे घणी बधी सरकारी भरतीओमां तमने खूब ज कामे लागशे। तो राह कोनी जुओ छो, लिंक वीडियो नी नीचे अवेलेबल छे, फटाफट क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन करो अने तमारा बीजा मित्रों सुधी जरूर थी शेर करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करू छू आप सबनों गुजरात गवर्नमेंट जॉब ना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज ने वीडियो में बात करीशू IITRAM जेने फुल फॉर्म छे इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट। गुजरात सरकार नु खूब ज मोटू साहस। तो आ विभाग तरफ थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिली रही है प्रमाणे JRF जुनियर रिसर्च फेलोशिप नी वेकेंसी जाहिर थई छे एट सेंटर ऑफ एक्सिलेंस। सेंटर ऑफ एक्सिलेंस छे त्यां आ वेकेंसी आवी छे, जेना फॉर्म 18 ऑगस्ट सुधी भरी शकाशे। तो जे पण मित्रों इंटरेस्टेड छे अथवा तो इन्फॉर्मेशन मेळवा मांगे छे तो एक वार आ वीडियो ने अंत सुधी जोई लेजो, जेथी करी संपूर्ण जानकारी मळी जाय। दोस्तों ઇટરામ खाते सेंटर ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी એટલે કે CDT सेंटर માટે બે પોઝિશનો છે, CDT1 અને CDT2। અહીંયા પ્રોજેક્ટનું નામ શું છે, ફેકલ્ટી કોણ છે, વેકેન્સી કેટલી છે અને તેની સામે પગાર શું છે। તો CDT1 માટે 31,000 રૂપિયા પગાર લાયકાત તરીકે MEMTech। બીજી વેકેન્સી CDT2 માટે ટોટલ 31,000 પ્લસ અલગથી HRA દરેકને મળશે। અહીંયા પણ MEMTech ઇલેક્ટ્રોનિક ECIC एवियोनिक्स फ्लाइट मिकेनिक्स एंड कंट्रोल इलेक्ट्रिकल एरोस्पेस वगैरह जे लायकात इक्विवेलेंट धरावता हशे अरजी करी शकशे। सेंटर एडवांस डिफेन्स टेक्नोलॉजी CADT, तो अहींया पण CADT 1 अने 2 माटे अलग अलग वेकेंसीओ छे। सौथी पहली जे वेकेंसी छे एमां 31,000, बीजी वेकेंसीमां पण 31,000। तो बंनेनी अंदर MTech अथवा तो ऊपर मुजब जे लायकात छे जेमां इलेक्ट्रॉनिक ECIT इलेक्ट्रिकल बायोमेडिकल एरोस्पेस एंजीनियरिंग अथवा इक्विवेलेंट जे पण ब्रांच हशे तेमां अरजी करी शकाशे। CADT 3 माटे 31,000 प्लस अलगथी सैलरी HRA तमने मळशे। MEMTech मिकेनिकल प्रोडक्शन एंजीनियरिंग मटेरियल साइंस वगैरह जे पण लायकात छे ते धरावता होवा जोईए। आवी रीते सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एटले के CAIML, तो अहींया पण बे वेकेंसीओ छे અને બંને વેકેન્સીઓમાં 31,000 સેલરી 31,000 સેલરી પછી અત્યારથી HRA પણ મળશે। તો અહીંયા પણ MEMTech ઇન કોમ્પ્યુટર IT કોમ્પ્યુટર સાયન્સ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ અથવા રિલેટેડ બ્રાન્ચની અંદર હોવું જોઈએ। સેન્ટર ફોર એરોસ્પેસ એન્ડ ડિફેન્સની વાત કરીએ તો CAD કેડની વાત કરીએ, CAD 1 માટે અને CAD 2 માટે 31,000 સેલરી પ્લસ HRA અલગથી। MEMTech એરોસ્પેસ મિકેનિકલ મેટલર્જિકલ મટીરિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્જિનિયરિંગમાં હોવું જરૂરી છે। તો આ છે સંપૂર્ણ જાણકારી, આશા રાખીશ કે માહિતી તમને ગમી હશે। અપલોડ ધ સર્ટિફિકેટ ઇન સપોર્ટ ઓફ એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન, સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટી, બર્થ સર્ટી, આધાર કાર્ડ ઇન સપોર્ટ ઓફ ડેટ ઓફ બર્થ, ગેટ નીટ સ્કોર કાર્ડ। તો દોસ્તો ઇફ એપ્લિકેબલ, જો એપ્લિકેબલ હોય તો તમારે અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે। સંપૂર્ણ જાણકારી તમને ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં। ફરીવાર મળીશું નવી જાહેરાત સાથે એક નવી વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, જય।